जी हाँ, कौन सा सितारा चमकता, किसका सितारा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई। कौन सा सितारा चमकता आदि? एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। कौन जोश सा जिस बात सितारा को देख मैं रहे हैं जो आप? वो मैंने किसका सितारा बना दिया यहाँ पर, देखते हैं चले हम कौन सा सितारा यहाँ पर चमकता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल टीम NFP के जो है यहाँ पर उनको टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। टीम 52X रेज का स्क्वाड रहेगा, दोनों तरफ एक एक नॉक यहाँ पर डील हो चुका, लेकिन नेट आएगा, खड़काया जाएगा यहाँ पर NFP स्काई हेल्सी के क्लोज विसिनिटी में। कान के पर्दे जरूर फाड़ेगा उनके, बिल्कुल करीब आके यहाँ पर ये नेट गिरा था, नॉक करेगा, लेकिन मॉलोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम 52X रेज प्रेशर यहाँ पर बढ़ा चुकी है, प्रेशर बिल्कुल, जो है टीम वो 52 अब बना रेज चुकी है प्रेशर टीम। बढ़ा चुकी है। फास्टर यहाँ पर जो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हुए नजर आ सकते हैं, बट इट कम्स अ कंफर्मेशन और हेल्सी इस मैच से बाहर। स्काई एक बार फिर से रेज के हाथों आदि एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही है हमें। बैक टू बैक एलिमिनेशन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम 52, एंड यहाँ पर सिचुएशन 3v4 का फिर से बन जाएगा। खतीर एक पत्थर मौजूद, वहां पर दो प्लेयर्स मौजूद देंगे, हैश यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, सामने खतीर की ड्रॉप शॉट देंगे, खतीर एक ट्रिक डाउन, 1v3 सिचुएशन, एंड टीम स्काई अपने तीन प्लेयर्स गवा लेगी यहाँ पर। आदि आखिरी प्लेयर डेडशॉट मौजूद, जिनके बिल्कुल ऊपर आदिल, जिम्मेदारी आ जाती है। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली ही नीड्स टू स्पैम अ फ्यू ग्रेनेड्स, यहाँ पर एक अच्छा या दो ग्रेनेड्स अगर जाते हैं, इट्स गेम ओवर फ्रॉम ऑफ टीम 52। स्पॉट किया जाएगा सामने प्लेयर को, डैमेज देने की कोशिश की जाएगी, बट डाउन, डिडन्ट टेक अ नॉक, एंड व्हाट वाज दैट डेडशॉट, व्हाट आर यू डूइंग। एक बहुत बड़ी गलती, और उस गलती का खामियाजा किल्स की सूरत में देखकर जाते हुए टीम स्काई इस मैच से बाहर हो जाती है। एक बार फिर से आधी आउट ऑफ द मैच, बिल्कुल सीधा लॉबी की तरफ। सिचुएशन टीम इनेस के हाथ में आ सकता है, इफ दे थ्रो ग्रेनेड, एक ग्रेनेड यहां पर सिचुएशन बदल सकता है, कहानी बदल सकता है, आधी एक नई कहानी लिख सकता है ये ग्रेनेड। एंड स्नो, आई बिलीव ही इज डूइंग दैट, ही कैन थ्रो अ ग्रेनेड यहां पर, क्योंकि सर्कल भी इनके पास मौजूद है। आदि मोलोटोव जाता हुआ, ओह माय गॉड, इज इट गोना बिल्कुल बी अ 2v4, ये काफी इनसेन होगा। मोलोटोव जाएगा सामने इस वक्त इनकी तरफ से, मॉल हो जाएगा लेकिन हिट करेगा मिथ के ऊपर, मिथ काफी हो जाएंगे, नॉक भी सकते हैं, गेट टेकन डाउन यहां पर, लेकिन गलती की जाती है स्नो की तरफ से, इट वाज अ बैड मूव, डाकू ही हैज टू डू समथिंग, क्योंकि पोजीशन का भी नहीं पता ही, पर नो, ही इज गोइंग फॉर अ रिवाइवल, ही इज गोइंग फॉर अ माय रिवाइवल, गॉड, ओह माय गॉड, यहां पर रिवाइवल नहीं देना चाहिए था, बट उसका जरा जबरदस्त परफॉर्मेंस चलाते निकल कर आती है। एग्जैक्टली हाउ नॉर्थ ईस्टपोर्ट ने इसे कैसे निकाले आदि, आई हैव दैट क्वेश्चन फ्रॉम यू। NES how? ये सवाल जरूर हमें पूछना पड़ेगा मेरे ख्याल से NES के प्लेयर्स की तरफ से। और मेरे ख्याल से अलादीन रीपर एक्स के प्लेयर भी काफी जबरदस्त वहां पर रिटालिएशन करते हैं इस चीज की। ओह माय गॉड, दोनों तरफ से यहां पर प्लेयर्स एग्रेस करते हुए नजर आएंगे। डोंट टेल मी दिस इज हैपनिंग, डोंट टेल मी दिस इज हैपनिंग। टीम UAG के प्लेयर्स यहां से एग्रेस करेंगे, वहां से टीम फ्रॉस्ट अंदर आती हुई नजर आएगी, एंड व्हाट इज गोना हैपन, जो यहां पर ब्लड बाथ निकलकर सामने आएगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन ESP को टेक आउट किया जाएगा। सामने की तरफ से 138 के प्लेयर मौजूद रहेंगे, ट्रोनर की तरफ से नॉक एंगेज किया गया, लेकिन एक बेहतरीन नेड यहां पर सामना करना पड़ेगा। जस्ट लुक एट दैट नेड, कैसे ग्लाइड करता हुआ ये नेड आता है जमीन के ऊपर, लेकिन सामने की तरफ शामिर मौजूद रहेंगे, लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग 138 के। लेट्स सी यहां पर क्या होता है, साइड की तरफ टीम फ्रॉस्ट का स्क्वाड भी यहां पर एग्रेस करता हुआ, काफी ज्यादा केयरफुल यहां पर रहना पड़ेगा। शामिर की तरफ से एक एम के ऊपर शिफ्ट किया जा चुका, लेकिन यहां पर M416 का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वाड डाउन करेंगे, ब्राउन को टेक डाउन किया जाएगा, टीम फ्रॉस्ट के एक और प्लेयर को टेक डाउन किया जा चुका, बैक एंड के ऊपर फ्रॉस्ट के एक और प्लेयर यहां पर नॉक डाउन है, लियो आइमस से नॉक डाउन है, जिनको रिवाइव देना यहां पर पड़ेगा। फ्रॉस्ट के क्लास एंड पैसिव आई दिया इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, आज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, लेकिन लुक एट दिस, बैक एंड के ऊपर सीरियस मौजूद रहेंगे टीम फ्रॉस्ट के, लेकिन क्लास के एक और प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा, 1v3 ऑलमोस्ट यहां पर हो चुका इनकी तरफ से, लेकिन सामने की तरफ पैसिव आई दिया लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, क्या यहां पर भी ये 1v4 में कन्वर्ट कर पाएंगे, ब्लाइंड फाइट दिए जा रहे हैं, जस्ट वन मोर मिलिटो को, एक और कोशिश यहां पर करते हैं, स्पॉट डाउन किया जाएगा, एंड देयर गोस द एलिमिनेशन, 1v4 यहां पर करते हुए नजर आएंगे, टीम फ्रॉस्ट गेट्स एलिमिनेटेड, बैक एंड के ऊपर टीम जरार किसी इस 1v1 सिचुएशन के अंदर आएंगे, स्मोक की बातों के अंदर मौजूद रहेंगे, लिटिल वन एचपी, टीम जरार सीरियस, आर यू किडिंग मी, व्हाट वाज दैट इवन, लेकिन क्या यहां पर टिकट रेड कौन सा स्क्वाड लेकर जाएगा, बहुत देर के सामने यहां पर मौजूद रहेंगे, सामने तरफ सीरीज फोर डाउन गेम खेलते हुए, लेकिन एक नेड अगर यहां पर आता है, ब्लाइंड फाइट्स की बुलेट भी यहां पर कनेक्ट करती है, तो जरार की सीरियस का एंड गेम यहां पर होने वाला है, एंड गेम को एंड नहीं होने देना यहां पर टीम जरार के, सीरियस आई एम रियली इंप्रेस्ड, जो आपने अभी यहां पर एक दिखाई है परफॉर्मेंस, दैट वाज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल,
एट ऑल. लेकिन 138 के शाहमीर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 1v4 ये भी लड़का कर आया. दोनों एक दूसरे के मुकाबले के अंदर एक से एक बढ़ के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर सीरीज की तरफ से एक नेट जाएगा, हाई अबव द स्काई नेट थ्रो किया जाएगा. क्या ये नेट इख्तिताम लेकर आएगा 138 के शाहमीर का? ओके, शाहमीर को पता चलता है कि नेट उनकी क्लोज विसिबिलिटी पे गिरा है. लेकिन यहाँ पर फाइनली देयर गोज द रश, देयर गोज द रश, देयर गोज द रश. सीरीज यहाँ पर एग्रेस करेंगे, 1v1 सिचुएशन बनती हुई अलादीन, व्हाट विल हैपन? मेरा दिल जो है वो धड़कने मेरी बंद होती हुई नजर आ रही है. सेमीफाइनल्स डे 1, डे लास्ट रहने वाले मैच 1 रहने वाला है. लेकिन यहाँ पर नेट्स का इस्तेमाल करते हुए, स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ दोनों के दोनों प्लेयर्स रहेंगे. बहुत ही मुश्किल सिचुएशन यहां पर बन चुके हैं. 1v1, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट मैच जहां पर आप एक 1v1 सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन ऑन स्टेक रहती है. टीम जरार नीड्स दोस पॉइंट अलादीन. बहुत ही ज्यादा शद जरूरत रहेगी यहां पर इन दोनों ही टीम्स को इस मैच के चिकन डिनर की. बिल्कुल, लेकिन शामीर ही ऑलरेडी हैज दैट आईडिया कि सीरियस कहां पे मौजूद है, बिकॉज़ वी हैव सीन दैट 1v4 फ्रॉम हिज साइड. और यहां पर जो एक प्लेयर को स्पॉट करना ऑब्वियसली इसके लिए मुश्किल नहीं होगा आदि, लेकिन देखना पड़ेगा सीरियस किस तरह से खेलते हैं. राइट नाउ सर्कल की बात की जाए, आई बिलीव सीरियस हैज अ सर्कल फॉर हिमसेल्फ फॉर टीम. 138 के शामीर को सर्कल में जाना है, सीरियस के सामने रिसीव मौजूद है, सीरियस के पास एडवांटेज रहेगा, सीरियस को इस एडवांटेज को कैश करना पड़ेगा आदि. यहां पर शामीर इस वक्त हाइट पे मौजूद जरूर है, बट अब नुकसान रहेगा इस हाइट का. मोलोटोव या फिर स्मोक एक बार फिर से जाता हुआ मोली जाएगा आई बिलीव, लेकिन कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं की जाएगी सीरियस की तरफ से. अपने बैकपैक वो उतार चुके हैं, उनकी तरफ से यहां पर जब इस वक्त गैस कैन भी छोड़ा जा चुका है शामीर. लेट्स सी वो यहां पर क्या करते हैं. इस वक्त के लिए प्रोन डाउन दोनों ही प्लेयर्स हो चुके हैं. 1v1 का सिचुएशन, 28 मिनट का गेम प्ले चलता हुआ, 29वां मिनट किसी भी सेकंड शुरू होता हुआ नजर आएगा आदि. 8वां सर्कल, 9वां सर्कल क्लोजिंग होता नजर आएगा. 8वें सर्कल गेम प्ले हमारे सामने इस वक्त मौजूद रहेगा और इसके बाद गेम ओवर, सर्कल्स खत्म हो जाएंगे. 1v1 का सिचुएशन, ड्रॉप का कवर लेकर इस वक्त एक अच्छा एंगल बनाते हुए सीरियस नजर आ सकते हैं. सीरियस आइस आइस आगे मूव करते हुए सीरियस यहां पर स्पॉट कर सकते हैं. सीरियस यहां पर स्पॉट करते हैं सामने और इस वक्त उनके पास कवर मौजूद है आदि. एक बड़ी मुश्किल जबरदस्त. ओह माय गॉड अलादीन, जितनी तारीफें यहाँ पर जरार के प्लेयर के लिए की जाए, सीरियस वाकई यार बहुत सीरियस लग रहे हो यार, बहुत सीरियस लग रहे हो. और जबरदस्त परफॉर्मेंस, 5 किल्स यहाँ पर किए जाते हैं, 778 का डैमेज सामने आते हुए. आई थिंक सो 1v4 यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन UNB का प्लेयर आई थिंक सो ही कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर. लेकिन मे बी मिरेकल. ओ वहां पर क्या देख रहे हो लड़के, लेकिन जरार के सीरियस होके वहां पर नॉक डाउन किया जाता है यहां पर UNB की तरफ से. लेकिन लेकिन जरार ई-स्पोर्ट्स 4-man स्टैंडिंग होती है, एंड पर उनके प्लेयर आते हैं, बैक एंड से कवर प्रोवाइड किया जाता है. नाउ दे नीड टू पुश आदि, दे नीड टू पुश और मे बी दे हैव टू स्पैम अ फ्यू ग्रेनेड्स, पर उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, रिवाइवल नहीं देने देना चाहिए. उनके पास मौजूद नहीं रहेंगे यहाँ पर नेट्स. लेकिन यहाँ पर एग्रेस करते हुए डॉक्टर फेट यहाँ पर एग्रेस करते हुए टीम फ्लेक्स के स्क्वाड तीनों एंगल से यहाँ पर एग्रेस करता हुआ टीम सोलो का स्क्वाड की तरफ मौजूद रहेगा. सोलो की तरफ से एक एक यूनिफाइड होकर स्प्रेड आउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अभी भी नॉक नहीं निकला. टीम फ्लेक्स की तरफ से टॉलिशन पाए जाएंगे, टीम फ्लेक्स के प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा, रेवेंज को टेक डाउन किया जाएगा. लेकिन सोलो के प्लेयर बहुत ज्यादा लो होते हुए, दो प्लेयर यहाँ पर टीम सोलो के बहुत ज्यादा लो होते हुए फ्लेक्स के डॉक्टर फेट के ऊपर फेट आता हुआ अपनी स्क्वाड का आखिरी प्लेयर यहाँ पर रहेंगे, एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा. लेकिन बुलेट जो है वो लास्ट कनेक्ट करेगी टीम सोलो के लफी की तरफ से, 3 किल्स स्कोर किया जाएगा, 1v3 किया जाएगा. लफी के बुलेट यहाँ पर ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, प्लेयर हूँ कोशिश कर लेता हूँ लेकिन अपने आपको हील कर लेते यार, सर्वाइव कर सकते. लेकिन टीम जरार, गुड न्यूज फॉर टीम जरार इज के एक किल अभी तक वो स्कोर कर चुके हैं. दे नीड 3 more kills, 4 more kills. अगर वो 5 पॉइंट्स इस मैच में ले जाते हैं इजी पीजी आगे जाते हुए हमें जरूर नजर आएंगे. लेकिन यहाँ पर सोलो के लफी की तरफ से मैक्सी स्पोर्ट्स को नेट कनेक्ट कर सकता है और मैक्सी सोलो के वेनम की तरफ से वहां पर नॉक भी किया गया. लफी का नेट कनेक्ट करेगा, रेक्स को टेक डाउन किया जाएगा. दैट इज सम अमेजिंग स्किल्स सोलो के लफी की तरफ से. हर एक टीम का लिफाफा बनाया जा रहा है. Now he is going for that. Now he is going for a push. यहाँ पर जब push करते हैं, ट्रेड सामने मौजूद, ट्रेड शायद उनको idea रहेगा. No, ट्रेड को idea नहीं रहता, but Luffy knows the position of that player. Luffy यहाँ पर जब इसे push देते हुए जाते हैं, this guy is insane. सामने एक और player को support किया जाएगा. Here comes the elimination from the side of Luffy. This team is insane. Solo is insane. Luffy is insane. This team is playing on that next level. जिस तरह से मैं हमेशा कहता था, this is some next level spotting out there दोस्तों, जो कि की जा रही है इनकी तरफ से. अंडर एलिमिनेशन दिखाया जा रही है, नेक्स्ट लेवल गेम पे दिखाया जा रहा है, जो कि इस वक्त मुकद्दर खराब कर देगा मैक्स को. मैक्स को इस इवेंट से बाहर फेंका जाएगा, इस मैच से बाहर फेंका जाएगा. तो उनकी तरफ से टेक डाउन किया जा सकता है. F2D जाए तो कहां जाए, F2D और नीचे की तरफ क्वारी के एरिया के अंदर जितने भी स्क्वाड्स मौजूद हैं सबको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा. जरार की तरफ से शाहमीर जरूर आ जाएंगे यहां पर. शाहमीर किल फीड के अंदर अपने आप को रोनमा करते हुए आ
आग लगाते हुए किलफीट को, लेकिन यहाँ पर शाबीर वंस अगेन आग लगाने के लिए जा रहे नीचे की तरफ, टीम जरार के प्लेस मौजूद रहेंगे और लुक एट दैट क्रॉस हिट प्लेसमेंट, ओ माय गॉड क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन जरार के सीरीज की तरफ से आई थिंक यहाँ पर उनको टेकडाउन किया जाता है, जरार के बोंगा की तरफ से यहाँ पर टेकडाउन किया जाता है और उनको सामने की तरफ नॉकडाउन करके जरूर कहते हैं चलो ये बोंगिया। लेकिन यहाँ पर 138 के शामीर इस तक आए जो के सोलो के लफी को एलिमिनेट करते हैं और 1v1 सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली कौन निकलता है, कौन यहाँ पर कौन किसको एलिमिनेट करता है ये जरूर यहाँ पर शर्त लगाई गई थी। और 138 के शामीर कहते हैं अला मेरा पुत्र चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, लेकिन यहाँ पर 138 के शामीर ओ हमें वो महसूस हो जाए वो फील आ जाए जो कि पीएमसी पाकिस्तान की आया करती थी। मुझे बहुत महसूस, मुझे अभी भी महसूस हुआ कि मुझे अभी नहीं मतलब आज के दिन ज्यादा हुआ, लेकिन चले रिव्यूज यहाँ पर डिफेंस यहाँ पर जब डैमेज खाते हुए जरार के हाथों मौजूद जरूर रहेंगे, 6 किल्स ऑलरेडी इनके बैकपैक में रहेंगे, नेट स्पैम किया जाएगा लेकिन राइट साइड से 138 हमेशा जहां पर देखोगे 138 टफ के एडगर भाई बच जाओ यहाँ पर नीचे चले जाओ खुदा का वास्ता है तुमको। 138 के फरहान यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनकी तरफ से एक टैप टैप फायर्स एक बहुत ही प्यार से डील करते हुए नजर आ रहे टीम जरार के प्लेयर्स को, जरार के प्लेयर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस कहा जाएगा। लेकिन लुक एट दिस फरहान का AKM का स्प्रे टेक डाउन करता है, एक और स्प्रे जाएगा जरार के क्रोनस को टेक डाउन किया जा सकता है। AKM प्लस 6x से इतनी अच्छी चलती हुई मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन यहां पर सर्कल के एजेस के ऊपर सारी टीम सिचुएशन साथ ही ये प्लेयर्स पुश करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ सर्कल पुशिंग करता हुआ टीम से भी प्लेयर्स भी पुश करते हुए जाएंगे, बॉन्ग आया बेस्ट करते हुए स्प्रे जाएगा और पहला नॉक डील किया जाएगा। शामीर की पोजीशन रिवील करना चाहिए बट नो शामीर गोस फॉर दैट स्प्रे और शामीर यहां पे प्लेयर नॉक करते हुए कैन ही डू अनदर स्प्रे ऑन क्रोनस ये देखना पड़ेगा। अभी क्रोनस की पोजीशन भी शामीर को पता है एंड शामीर यहां पर ऊपर हाइट पर स्पॉट करते हुए के मलिक को उनको भी देखना पड़ेगा, क्रोनस के बिल्कुल सामने शामिल मौजूद है इस वक्त बट फरहान ही इज गोइंग फॉर दैट प्लेसमेंट यहां पर जब रिवील करना चाहेंगे वो यहां पर जब पोजीशन एफएसके मलिक काफी डैमेज खाते हुए इस वक्त और उनका उनको स्प्रे कनेक्ट भी कर जाएगा। शामिर के रैंडम स्प्रेज कभी भी मिस नहीं होते, हिज रैंडम स्प्रेज आर ऑलवेज ऑन पॉइंट और यहां पर अब सिचुएशन 1v1 का बन जाएगा। क्रोनस वर्सेस शामिर, शामिर के पास दरख्त कवर मौजूद, क्रोनस के यहां पर जाना पड़ेगा जबकि पास क्रोनस यहां पर जल्दी रहना चाहते हैं has been spotted और इसी के साथ कहीं पर इस वक्त अगर हम चाहें पॉइंट शेवल की तरफ we'll be having team 138 jumping on the third spot, impressive performance, super से भी ऊपर खेल रही है टीम नजर आती है, flying jet यहाँ पर जब वो third spot पर आ जाते हैं दिलीपर एक्स इन सबको तोड़ते हुए ये स्क्वाड जो आगे जाती है। लेकिन दिस इज द पेज अनफॉर्चुनेटली टीम स्टार डजंट क्वालिफाई एज अ टीम फ्री स्टार डजंट क्वालिफाई एज, लेकिन गोल्डन स्टार बिल्कुल एज से क्वालिफाई करती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिर्फ इसलिए एक चिकन डिनर पर टीम गोल्डन स्टार को प्रेफरेंस मिलती है टीम स्टार के ऊपर। दिस इज सम सीरियस लक इन प्ले, सिर्फ किस्मत का खेल है, सिर्फ किस्मत का खेल है। Exactly. Team Star still has that probability to qualify. Let me tell you one thing. They can still qualify. But chale, agle phase ki taraf jaate hain. Yahan pe Qureshi Sports mein. Oh, exactly. Main pahunch gaya. IVE Sports with 77 total points. Crown Holder with 73. Team Frost with 71. Main kehna nahi chahta, but if you remember that, jo bachpan mein sunaya jata tha, ghar wale batate the ki jungle mein kisi ne latifa sunaya aur gadha agle din hasra tha. यार टीम्स एग्रेशन की बात करें तो एडगर यहां पर फर्स्ट पर मौजूद है, लुक एट दैट सेकंड ऑफ फ्रैगर शामीर आउट ऑफ नोवेयर यहां पर जगह बनाकर जाते हुए 31 किल्स, ज़िब्रान के पास 28 किल्स।